नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। एक्सप्रेस स्पेशल में हम हर बार बात करते हैं उन ऐसी खबरों की जिनका सरोकार से जुड़ा रहता है आपसे हमसे, और इन्हीं खबरों से आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रायगढ़ की एक खबर। रायगढ़ में ग्राम दुलारी स्थित गुरु श्री इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग ग्रामीणों ने की है। परेशान ग्रामीणों ने कहा है कि इंडस्ट्रीज द्वारा केमिकल वाले जहरीले पानी छोड़ने से सब्जियों और अनाज नष्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सब्जियों के खाने से लकवा और कैंसर जैसी बीमारियों की भी आशंका बढ़ सकती है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और औद्योगिक के बंद करने की मांग की है। साथ ही मामले में मुआवजे की भी मांग की है। आपको बता दें कि यह खबर रायगढ़ से है, जहां पर गुरु श्री इंडस्ट्रीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और यहां पर इस फैक्ट्री को बंद करने की मांग ग्रामीणों ने इसलिए की है क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडस्ट्रीज द्वारा केमिकल वाले जहरीले पानी को छोड़ने से सब्जियां और अनाज नष्ट हो रहे हैं, और इतना ही नहीं, इन सब्जियों के खाने से लकवा और कैंसर जैसी बीमारी भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, और जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनका यह कहना है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। साथ ही मामले में मुआवजे की भी मांग लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जमीन ने जो खेती बाड़ी की है, सब्जियां उगाने की कोशिश ग्रामीणों ने की है, वो जमीन बंजर होती जा रही है और साथ में केमिकल का दुष्प्रभाव इतना बढ़ गया है कि सब्जियां ठीक से उग नहीं पा रही और जो उगती भी हैं वो खाने योग्य नहीं है, और यदि इनको खा लिया जाए तो लकवा और कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना ज्यादा बढ़ सकती है, और इसी चीज को लेकर इस फैक्ट्री को बंद करने की लगातार कवायद चल रही है। हमारे साथ स्वराज संवाददाता रायगढ़ से तुलेंद्र पटेल जुड़ चुके हैं। तुलेंद्र, जिस तरह रायगढ़ में जो श्री गुरु इंडस्ट्रीज है उसके खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं केमिकल युक्त पानी बहने के कारण उसका सीधा असर सब्जियों पर पड़ रहा है, तो क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है इस बारे में और अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? इन्होंने परिवहन अधिकारी रायगढ़ एवं जिला कलेक्टर को बंद करने के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन परिवहन अधिकारी के निर्देश पर यहाँ पर जांच हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह की दुर्गंध आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जितना दूषित दुर्गंध है कि जीना दुर्गंध हो जा रहे हैं। जी, क्या लगता है जिस तरह सब्जियों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, तो उसमें क्या क्या कुछ पॉइंट दिए गए होंगे, क्या शिकायत थी, क्या बिंदु थे जिसको लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है? जी, ये जो सब्जियां उगाते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा सब्जी उगाते हैं वहाँ के गांव के किसान लोग, तो सब्जियां तो पूरा नष्ट हो चुकी हैं, साथ ही जो फसल धान भी पूरा खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि जो केचुआ 2 फीट के अंदर है केचुआ भी मर चुके हैं, तो इसीलिए उनका कहना है कि ये केमिकल युक्त पानी की वजह से हो रहा है या फिर धुएं की वजह से हो रहा है, क्या इंडस्ट्रीज द्वारा कैसी क्या चीज लापरवाही बरती जा रही है जिसके कारण सब्जियां खराब हो रही है? जी, केमिकल की ही बदलाव, क्योंकि जिस तरह केमिकल उनका उद्योग से बाहर रहा है वो उसी जगह पर प्रभावित हो रहे हैं, वही फसल और सब्जियां नुकसान हो रहे हैं। नहीं, केमिकल हम ये जानना चाहेंगे कि केमिकल जो है क्या वो सब्जियों पर डालने वाला केमिकल होता है या फिर वो पानी में बहकर आ रहा है जिस पानी से सब्जियां खराब हो रही है, आखिरकार क्या वजह है जिसके कारण सब्जियां खराब हो रही है और लोग उस सब्जी को खाने को मजबूर हैं? वो जो उद्योग में जो अपशिष्ट केमिकल है वो वहां से सब्जी धो रहे हैं और नाली के माध्यम से गांव के बाहर फसलों में जा रही है, इसीलिए वो नुकसान हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पानी की जो निकासी है उसमें उस केमिकल का रिसाव होता है और उस पानी से ग्रामीण लोग सब्जियां धो रहे हैं जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो रही है, तो क्या लगता है प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन लेने का अभी तक कोई एक्शन लिया है? परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी आए थे और जांच प्रतिवेदन बना के गए हैं और उद्योग को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है, लेकिन आज तक भी उद्योग संचालित हो रहा है, वहाँ उद्योग चल ही रहा है। चलिए, इस तरह की बात भी की जा रही है कि जिस तरह कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं लकवा जिसकी शिकायत आ रही है, क्या? चलिए, हमारे साथ आर के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण अधिकारी, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह एक हम बात कर रहे हैं तमनार, रायगढ़ के तमनार की बात कर रहे हैं, वहां पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो केमिकल वाला जहरीला पानी छोड़ रहे हैं उससे सब्जियां खराब हो रही है, तो कितना क्या कुछ असर पड़ सकता है? सर, ऐसा माना जा रहा है कि इससे लकवा और कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना है, उसकी जांच ग्रामीणों के सामने कर ली गई है। जी ठीक है, जी ठीक है,
जी, उसके बाद क्या निकला, जांच करने के बाद क्या निकला सर? अच्छा, वो पंचनामे में सब लिखा हुआ ग्रामीण जनों को। आप अपने मुंह से बताना की कृपा करेंगे, आप बताना चाहेंगे कि आखिर क्या लिखा उसमें? अचानक आप पूछे कि पंचनामा की कॉपी मेरे पास अभी एकदम उपलब्ध नहीं है, कोई भी आके ले। सर आप बड़े लेवल के अधिकारी हैं, इसलिए आपसे पूछना जायज है, और इतना तो मुझे यकीन होगा कि आपको कुछ लाइनें याद होंगी। अरे यार भाई, तो मुझे वो नहीं रहता, आप किसी को भेज दीजिए, यहाँ से ले जाएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, इतना तो दो शब्द बोल सकते हैं। अरे नहीं, देखिए ग्रामीणों के सामने, ग्रामीण जन उसमें उपस्थित थे, उन्हीं के सामने निरीक्षण किया गया और पंचनामा बनाया गया। पंचनामा में क्या रहा है सर, कुछ तो बताएंगे आप? अरे भाई, तो वो तो गाँव वाले भी थे उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है सर, शायद आप जवाब देने के इच्छुक नहीं है, या फिर आपको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? डैमेज हुआ उसके लिए कार्रवाई कर, आप जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं लग रहे मुझे तो, क्योंकि आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जवाब दे नहीं पा रहा है। आप अचानक फोन करते हैं कि ये बताइए वो बताइए, पहले आपको रखना चाहिए ना। आपको एक शिकायत मिल रही है, शिकायत के जवाब में आप एक लाइन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, क्या केमिकल है, लेकर आप पंचनामे की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, जांच किनके सामने हुई? गांव वालों के सामने हुई। गांव वाले थे, इंडस्ट्री वाला था, हमारे यहाँ के लोग थे, पंचनामा बना है सबके सामने बना है। खबर दिखाने वाली है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रही है और सारे लोग देख रहे हैं इस खबर को, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लोगों और लोगों को पता चले कि उसमें क्या था। गांव वाले तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही जानकारी देंगे तो हो सकता है फैक्ट्री को बंद किया जा सकेगा, और हो सकता है कि जो मासूम लोग जो खराब सब्जियां खाकर बीमार पड़ रहे हैं उनको सभी के सामने जांच हुई है। समझ में आया? आप शायद जवाब देने की क्षमता नहीं रखते और शायद आपको बोलने का भी वो नहीं है, इसलिए आप ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप शायद इस जिम्मेदार वाली पोस्ट पर बैठे हैं लेकिन आपके पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। जिस तरह भी आप बात की, हमने अभी आर के शर्मा जी जो कि जिला पर्यावरण अधिकारी हैं, उन्हें खुद को जानकारी नहीं है कि आखिरकार जिस तरह का जो माहौल क्रिएट हुआ है वहां पर, केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है और उसके चलते सब्जियां खराब हो रही है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दरअसल ये केमिकल फैक्ट्री 2012 में इसके लिए एनओसी की मांग की गई थी, लेकिन हम लोगों ने पंचायत में जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने किसी प्रकार का कोई एनओसी दिया नहीं है, लेकिन कंपनी अभी संचालित है। पहले ये आरओ प्लांट के नाम से कंपनी संचालित होने का बात कहा जा रहा था, लेकिन जब कंपनी स्टार्ट हुई तो केमिकल कंपनी के नाम से ये संचालित हुई और अभी वर्तमान लगातार तीक्ष्ण गंध वाली जो डस्ट है उसे छोड़ रही है, और साथ ही साथ केमिकल युक्त पानी जो निकल रहा है उस पानी की वजह से लगातार जो खेत है और उस क्षेत्र का जो वातावरण है वो पूरी तरह प्रदूषित होता जा रहा है, पूरा खेत जम चुका है। तो अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो लोगों का भोजन का अधिकार ये था, जिस तरह पर्यावरण अधिकारी जिनको फिक्र होनी चाहिए पर्यावरण की, ऐसे अधिकारी से हम जानना चाहा तो उनका सीधा सा ये कहना है कि हमने पंचनामा बता दिया है ग्रामीणों को और फैक्ट्री वालों को, तो क्या लगता है वो पंचनामा आपको भी दिखाएगा, क्योंकि आप भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या कुछ निकल कर उसमें आया है? हाँ, लगातार हम लोगों ने पर्यावरण अधिकारी से भी बात किया, पर्यावरण अधिकारी ने हर बार यही कहा है, हम लोगों ने लगभग 10 से 15 बार अलग अलग मुद्दों पर मिला है और इसी पर्यावरण के मुद्दों पर मिला है, तो उनका यही जवाब रहता है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक देखी नहीं गई है। कंपनी से जो अधिकारी हैं आर के शर्मा, उनका एक रटा रटा है जवाब रहता है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है, ऐसी भी आशंका की जा सकती है कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री से उनकी कोई मिली भगत तो नहीं है जिसके चलते वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं। अगर वास्तव में वो जनता के हित के बारे में सोचते तो शायद उनका एक सार्थक जवाब निकलकर सामने आता और जनता की भलाई में वो बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर मगरमोट से है।